हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, जो कि हमारा लेआउट प्लान है, स्ट्रक्चरल लेआउट फॉर लैन फॉर कॉलम फुटिंग। ओके, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। जो भी एक्सकेवेशन है हमारा कॉलम फुटिंग के लिए, फाउंडेशन के टाइम आपको जो जो चीज़ें याद ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे आइसोलेटेड या फिर कंबाइंड फुटिंग है, उसका सेक्शन, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, उसका जो फुटिंग के डिटेल्स होती है, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो स्टेप बाय स्टेप वन हम वो कॉलम बाय कॉलम इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ड्राइंग है गाइस, ये हर एक सिविल इंजीनियर को रीडिंग, इसकी ड्राइंग रीडिंग तो आनी चाहिए गाइस। आपको ड्राइंग के ऊपर सब कुछ लिखा होता है गाइस, आप देख सकते हो। हर एक फुटिंग के डिटेल्स के बारे में लिखा होता है गाइस, जिसमें आप देखेंगे कि जो भी हमारी कंबाइंड फुटिंग है उसको जो स्पेसिफिकेशन है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप C19 और C26 के बारे में। ओके, जो भी हमारे आउटर के जो डायमेंशन है वो मेजर करके आपको एक कॉलम लेने है गाइस, एज पर फाउंडेशन। एज जब एक्सकेवेशन के बाद आप वो फुटिंग का जो लाइन आउट करेंगे, तब आपको ये ड्राइंग इम्पोर्टेंट है गाइस, फुटिंग और फाउंडेशन के लिए। आपको बस देखना है, सब कुछ ड्राइंग में दिया रहता है गाइस। आपको बस चीज़ें ऑब्जर्व करनी और वो एज अ लेबर को या फिर साइट कॉन्ट्रैक्टर को बताना है गाइस। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंडिंग तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करना गाइस, क्योंकि एंडिंग में, आखिर में मैं आपके साथ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको देखकर आप, सुनकर आप अपने डे टू डे वर्क में इस्तेमाल करोगे गाइस। तो वीडियो को स्किप मत करना गाइस, वीडियो एंडिंग तक देखना। एंडिंग में मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूँगा जो कि आपको डे टू डे लाइफ में ज़रूरी होगी गाइस। ये बिल्डिंग का एलिवेशन देख रहे हो आप। ओके, पूरा एलिवेशन इसको 3DS पे डिज़ाइन किया है। ओके, 3DS में सॉफ्टवेयर पे। तो वीडियो एंडिंग तक देखना गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अपने अगले डिज़ाइन के बारे में। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे फाउंडेशन प्लान के लेआउट के बारे में। ओके, जो भी हमारे आइसोलेटेड फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आज डिस्कस करेंगे। आपको कौन सी चीज़ें साइट इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटीज़ क्या है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे गाइस, जो कि आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है और एज अ साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ें आनी ज़रूरी है गाइस। तो वीडियो स्किप मत करना गाइस, वीडियो का कौन सा भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ड्राइंग पे आपको सब कुछ अवेलेबल होता है गाइस, बस आपको पढ़ना आना चाहिए गाइस। हमारा जो C11 और C21 और 22 का जो कॉलम है गाइस, ये सिमेट्रिकल, इसके लिए उसके कारण उसका डिज़ाइन, फाउंडेशन के डायमेंशन और जो भी कॉलम के डायमेंशन है वो सेम रहेगी गाइस। ओके, उसके बाद हमारा जो आता है उसके सिमेट्रिकल कॉलम, हमारा C23 और 24, आप देख सकते हैं यहाँ पर C24 और C23 गाइस। ओके, ये सेम आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो नंबरिंग है, रियल नंबर है, वो भी एक ध्यान से एक करेक्ट वे में दिया रहता है गाइस, एज अ साइट इंजीनियर या फिर जो भी साइट पे वर्कर्स है, कारपेंटर है, जो भी हमारे फोरमैन है, उनको कोई दिक्कत ना हो ड्राइंग रीडिंग के बारे में। इसी तरह सीरियली दिए रहते हैं गाइस वो नंबर। उसके बाद हमारा जो आइसोलेटेड कॉलम है सिमेट्रिकल, वो तो हमारा ए वाला C8 एंड C37, यहाँ पर देख सकते हो C37 एंड C8, ये सिमेट्रिकल कॉलम है गाइस, सिमेट्रिकल नहीं है, ये हमारे सेम कॉलम है गाइस। जिसकी फुटिंग और जो भी डायमेंशन डिटेल है वो सेम है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर C37 और C8,
उसके बाद आता है हमारा जो भी कॉलम की डिटेल है। ओके, यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, जहाँ पर लिखा है उन्होंने कि ये जो डायमेंशन लिखी है छोटी छोटी, ये आपको ये बीच में की कट टू कट डायमेंशन है, जो कि इंटरनल और आउटर के लिए, आउटर फेस टू फेस। उसके बाद है हमारा कॉलम जो कि C29, वो अकेला ही कॉलम है जो कि किसी के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई सिमेट्रिकल वे में नहीं है वो। C29 आपने ऑब्जर्व किया तो वो किसी के सेम नहीं, अकेला ही कॉलम है जिसकी डायमेंशन और कॉलम डिटेल्स अलग ही गाइस। आप इसका व्यू देखेंगे तो इसका सेक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेक्शनल व्यू इसका, जो कि हमारा टॉप एक्स व्यू है, सेक्शनल कटिंग व्यू इसका। ये तो टॉप व्यू है गाइस, टॉप में आपको एसी ड्राइंग और फुटिंग डिटेल्स देखेगी गाइस। ये बीच में जो डाले हैं हिडन बीम्स है गाइस, ओके, जिसको टाइप बीम्स कहते हैं हम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाइस कंबाइंड फुटिंग के बारे में, जो कि हमारे कॉलम्स को क्लोजेस रहते हैं, जो कि बहुत ही नियर बाय कॉलम है, इसलिए आपको कंबाइंड फुटिंग की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो C26 एंड C19 कॉलम, ये वाले जो कॉलम्स है ये कंबाइंड एज अ कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन किए गए। उसके साइड में C27 और C20, ये नंबर भी देख सकते हो आप, 26, 27, उसके बाद 20 और फिर 19। ये वाला हमारा ट्रेपेज़ॉइडल कंबाइंड फुटिंग है गाइस, यहाँ पर कंबाइंड फुटिंग है, हर एक साइज का आपको वहाँ पर दिया रहता है गाइस, फेस टू फेस या फेस टू इनर साइड का जो डिस्टेंस है वो, बस आपको रीड करके एज अ साइड पे एग्जीक्यूट कराना होता है गाइस, एज अ साइड इंजीनियर आपको इतना तो करना ही पड़ेगा गाइस। उसके बाद हमारी अगली कंबाइंड फुटिंग है C35, 36 और उसके आगे C38, 39, वो सेम है गाइस, कंबाइंड फुटिंग एज अ रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग ली है उन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चीज़ ड्राइंग में लिखी रहती है गाइस, आपको बस देखना है उसे साइड पे एग्जीक्यूट करना है गाइस। बस यहाँ पर जो भी आपका कॉलम का जो डायमेंशन है, उसके बाद फुटिंग का जो डायमेंशन है, आपको बाय टेप उसको मेजर करके कन्फर्मेशन होने के बाद ही उसको एग्जीक्यूट कराना है गाइस। ओके, एक्सकेवेशन के टाइम ये जो कंबाइंड फुटिंग है C35, 36, 37 तो अलग है हमारी, 38 और 39, ये पूरा फुटिंग से डायमेंशन है हमारा 3.08 मीटर बाय 2.2 मीटर, आप देख सकते हो यहाँ पर 3.08 बाय 2.2 मीटर। मैंने पहले ही कहा था गाइस जो कि हमारा सिमेट्रिकल प्लान है, इसलिए आपके जो भी कंबाइंड फुटिंग है उसके सिमेट्रिकल प्लान है, इसलिए एक फुटिंग कंबाइंड फुटिंग और एक कंबाइंड फुटिंग सेम है गाइस, 2.2 मीटर बाय 3.08 मीटर, यहाँ पर देख सकते हो 2.2 मीटर बाय 3.08 मीटर। ओके, हर एक मेजरमेंट सेम है, इसलिए उसका ड्राइंग डिटेल, उसका फुटिंग डिटेल, उसका कॉलम डिटेल, उसका जो बीम से डिटेल है वो भी आपको सेम रहने वाला है गाइस, क्योंकि फ्लैट ही सेम है, हर एक डिज़ाइन सेम है, उसको एक्सकेवेशन, फाउंडेशन डिटेल, कॉलम डिटेल और उसके जो लोडिंग आता है उसके ऊपर वो भी सेम है गाइस, इसीलिए तो आपकी जो कॉलम के साइजेस, फुटिंग के साइजेस, डायमेंशंस, वो डेप्थ हो वो सेम आ रही है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को गाइस। उसके बाद हमारी अगली कंबाइंड फुटिंग गाइस, ये जो नीचे देख रहे हो आप C3 और C10 वाली, ये हमारी रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग है गाइस, जो कि आप देख रहे हो इसमें हर एक चीज़ आपको लिखी है वहाँ पर, जो कि डायमेंशन है फुटिंग के लिए उसका जो डायमेंशन दिखाई दे रहा है 4.134 मीटर बाय 1.750 मीटर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, एज अ साइट इंजीनियर बस आपको एक कॉलम का जो डायमेंशन है, डिटेलिंग है, और आपको देखना है और साइड पे एग्जीक्यूट कराना होता है, आपको बस चेक करना है दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 1.09 मीटर है क्या। जब आप स्टार्टर बनाते हो, सेंटर लाइन बनाते हो, इसी को आपको ध्यान में रखना है, जो कि मेजरमेंट है आपका
डायमेंशन से, और जो कि इन टू इन और फॉर आउटर टू आउटर मेजरमेंट है आपका। तो गाइस मैंने कहा था वीडियो एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ड्राइंग के बारे में या फिर साइट के बारे में। तो गाइस आज के हमारे ट्रिक है, आप ये ड्राइंग इजीली देख सकते हो गाइस, इसमें जो कंबाइन और आइसोलेटेड फुटिंग है उसके बारे में। आप जब कंबाइंड फुटिंग का जब डिज़ाइन करते हो गाइस, एक कॉलम क्लोजिंग है, एक क्लोजेस है गाइस, इसलिए इसको एज आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन करने के, एक तो आप आइसोलेटेड कर सकते हो या फिर कंबाइन कर सकते हो, एक क्लोजिंग है इसके लिए इसको एक ही फाउंडेशन में डिज़ाइन किया है गाइस। और ये आइसोलेटेड है, ये यानी कि सेपरेट डिज़ाइन किया है, ये सेपरेट है और कुछ दूरी पर है, इसीलिए उसको सेपरेटली डिज़ाइन किया है गाइस। तो कंबाइन और आइसोलेटेड फुटिंग में आपको एक ही डिफरेंस है गाइस, आपकी जो कंबाइन और आइसोलेटेड की फुटिंग होती है, जो भी कंबाइन फुटिंग है उसका जो बेसमेंट है वो स्ट्रांग रहेगा एज पर आइसोलेटेड फुटिंग गाइस। ये हमारी सेंटर की ड्राइंग के या फिर बिल्डिंग के टावर के सेंटर की सेंटर के फाउंडेशन है गाइस, इसीलिए स्ट्रांग बनने के लिए इसको कंबाइन डिज़ाइन किया है। और एक कॉलम भी क्लोजेस है नियर बाय, इसलिए और जो भी कॉर्नर के कॉलम है आप तो आइसोलेटेड फुटिंग ही डिज़ाइन करेंगे। ओके यहाँ पर एक कंबाइंड फुटिंग है, आप देख सकते हो, इसकी भी एक कॉलम भी ज़्यादा दूर नहीं, 1 मीटर की लेंथ पर है गाइस, 1 मीटर यानी कि ज़्यादा नहीं, जो कि 1 मीटर हम 1 1 मीटर के अलग अलग फुटिंग दिए तो भी अच्छा है, मगर वो नहीं दे सकते हम। ओके ये 1.2 मीटर है, ये 1.12 मीटर है गाइस, तो कंबाइंड डिज़ाइन किया है उसको। वो तो वो जो जैक रहता है गाइस यहाँ पर, आप ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड में एक बिल्डिंग है हमारी, इसलिए दोनों में जो गैप है, पैसेज है, उसमें जो जैक प्रोवाइड करने के लिए आपको ये कॉलम प्रोवाइड किया है, C24 है, C33 है। अगर आप इमेजिन करोगे तो हमारी बिल्डिंग साइड बाय साइड रहेगी, ए बिल्डिंग और ए बिल्डिंग सॉरी ये दोनों बिल्डिंग सॉरी, अगर इसमें बीच में आपको जैक प्रोवाइड करना होता तो बीच में एक कॉलम लेना पड़ेगा आपको और उसको जैक प्रोवाइड करना पड़ेगा गाइस, इसीलिए इसमें आपने 50 mm के एक्सपेंशन जॉइंट के साथ दो कॉलम सेपरेटली प्रोवाइड किए, क्योंकि सेटलमेंट का प्रॉब्लम नहीं आए बाद में, फिर डिफ्लेक्शन नहीं हो सकती बिल्डिंग। ओके ये 3 टावर इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करो और हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और इसी तरह सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि आने वाली बहुत वीडियोस हमारे इंटरेस्टिंग होने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले आने वाली वीडियोस। हर एक चीज़ हमने डिस्कस की है गाइस आज तक, सेंटर लाइन प्लान, ओरिएंटेशन कॉलम पे ओरिएंटेशन ड्राइंग, उसके बाद ऐड टू कैड की सीरीज, उसके बाद हमारा जो साइट इंजीनियर के थंब रूल से, जो कि जनरल नोट से बिल्डिंग के इम्पोर्टेंट नोट से, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लो गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं गाइस, बहुत ही टाइम लगता है एडिटिंग में, टाइम लगता है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। तो गाइस अगर इसके ऊपर का पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल और स्टील की क्वांटिटी आपको निकालनी कैसी है वो आपको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को, इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिनिमम करना गाइस, और 100 लाइक्स करने के हमको मोटिवेशन मिलता है गाइस, क्योंकि वीडियो अच्छे अच्छे बनेंगे उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और इसका अगर BBS शेड्यूल और क्वांटिटी निकालने के से इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को मिनिमम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा गाइस। तो गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके ये आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गाइस,
जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, और उसका ब्रोकरेज भी 0% है 20, जो कि हमारे हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अपस्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो ऑफ स्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। तो गाइस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है और जीरोधा है, और हमारा नया आया वाला फायर से, इसके ऊपर खास ऑफर्स है गाइस। अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी VIP ग्रुप है उसके ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी VIP ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए। तो गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट आती है गाइस, जो कि जॉब के रिगार्डिंग हो, आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के जॉब कॉल आते हैं वहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसके नोटिस नोटिफिकेशन की ऐड आती है वहाँ पे, या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना हो तो वो भी मिलेगा आपको, या फिर आपको कोई ई बुक्स चाहिए या फिर ड्राइंग फाइल चाहिए, इस्टीमेशन शीट चाहिए, कोई क्वांटिटी और सर्वे कैसे करते हैं वो आपको पता नहीं है, तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर और सपोर्ट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला है, और ऐसे ही सपोर्ट करना गाइस, थैंक यू। तो गाइज आप एक सिविल इंजीनियर हो, एक डिप्लोमा इंजीनियर हो, एज अ जॉब करते हो साइट इंजीनियर या फिर डिज़ाइन इंजीनियर या फिर एज अ सीनियर साइट इंजीनियर, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइज, जो कि डिज़ाइन के बारे में, आपने आर्किटेक्चर और RCC ड्राइंग्स के बारे में, उसमें उसके साथ में जो भी आपको थंब रूल्स बताता हूँ गाइस, वो आपको साइट पर ज़रूरी काम आएंगे गाइस, यूज़फुल रहेंगे गाइस आपके डेली लाइफ में। तो गाइस इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस और एक बात, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है गाइस, अगर आपको कोई घर का प्लान चाहिए जो कि आपके आपके लिए यूज़फुल रहेगा, यूज़फुल होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो गाइस, या फिर आपको कोई भी 3D ड्राइंग चाहिए बिल्डिंग का, या फिर इस्टीमेट चाहिए, ई टेंडरिंग के लिए आपको PWD का लाइसेंस निकालना है या फिर टेंडर फिल करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो गाइज, मैं आपको अच्छा सॉल्यूशन दूंगा गाइज इसके बारे में, और ऐसे ही सपोर्ट करना गाइज चैनल को, आने वाले टाइम में चैनल इतना ग्रो करने वाला है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आपका सपोर्ट है गाइस, बाकी कुछ नहीं।